शमानिज्म होता क्या है? मतलब ये वर्ड पहले कभी नाम सुना है कि कभी नाम भी नहीं सुना है? ओके, तो कभी नाम भी नहीं सुना है, हमको पता ही नहीं है कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, डिक्शनरी में कौन लेके आ गया, इंडिया का है, बाहर का है, किधर का है, कहाँ का आ गया, है ना? राइट, तो शमानिज्म जो है, जो आप मेरे सबके जो इंडिजिनियस एंसेस्टर्स, जो पूर्वज हैं, वो शमानिक प्रैक्टिशनर्स थे एक तरह से बोला जाए। अब शमानिक प्रैक्टिशनर मतलब, ऑफकोर्स प्रैक्टिशनर वर्ड तो अभी का आया है, लेकिन शमानिज्म मतलब एक इंडिजिनस नेटिव ट्राइबल कल्चर, जो पैटर्न्स रिचुअल्स होते थे वो, उसको इट डेट बैक टू दैट लॉन्ग, मतलब 30,000 साल पुराना ट्रेडिशन आप कह सकते हैं। ओके, तो ये कोई एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये शमानिज्म अगर आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड के इट इज द ओल्डेस्ट हीलिंग स्टाइल और ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक। ओके, टेक्निक इन द सेंस, टेक्निक वर्ड्स तो अभी हम लोग यूज करते हैं ना, जब हम सीख रहे हैं कोई अलग अलग तरह की हीलिंग मोडालिटीज, पर उस समय जिस तरह से शामन कौन होता था, एक तरह का ऐसा इंसान फैमिली के अंदर जो कि कम्युनिटी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी डिसीज है, या कोई डिसीज मतलब एक फिजिकल एलिमेंट होता है, मेंटल इश्यूज होते हैं, बहुत सी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती है, तो आप बहुत नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ये भी हो सकते हैं, राइट? तो वो बेसिकली शामंस होते थे जो इसका क्यों कोई जना सफर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज को वो शामंस ढूंढ के लाते थे। अब कैसे ढूंढ के लाते थे? वो ढूंढ के लाते थे मतलब उसके लिए आंसर ढूंढ के लाते थे, उसके लिए क्या उपाय है, या वो उसको कैसे रिजोल्व करना है, या वो कोई चीज है जो हमको तकलीफ दे रही है या प्रॉब्लम दे रही है, वो चीज का इस दुनिया के अंदर उसका उपाय नहीं है, तो वो जाते थे इन द अदर वर्ल्ड। ओके, इसलिए जो ये लोअर वर्ल्ड की बात हो रही है, ये वर्ल्ड है कि हम अगर इस विभाजन, ऑफकोर्स इससे ज्यादा भी विभाजन हो सकता है, लेकिन इन जनरल टर्म जो है, वी डिवाइड इट इनटू थ्री वर्ल्ड्स, तो तीन वर्ल्ड्स की बात करते हैं हम लोग शामनिज्म में। तो तीन वर्ल्ड्स हैं, जो एक है जो हमारे, अगर आप एक पेड़ को ले लो, उसका जो रूट्स जाते हैं, जो धरती के अंदर जाते हैं, जिसको हम पाताल लोक भी कहते हैं, या हम कहते हैं अंडरवर्ल्ड, राइट, या लोअर वर्ल्ड, वो हुआ एक वर्ल्ड। फिर एक हुआ जो कि बीच का है, जहाँ पे हम सब रहते हैं, वो मिडिल वर्ल्ड है। बट ऑफ कोर्स जो शामन उसमें मिडिल वर्ल्ड में भी जर्नी करते हैं, वो जर्नी हमारे जैसी नहीं होती कि हम जो रोज चलते हैं या रोज जो कार्य करते हैं, उनका मिडिल वर्ल्ड रियलिटी काफी फर्क होता है। और फिर है एक जो ऊपर की बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं, तो एक तरह से हम बहुत बार बोलते हैं नीचे हेल है, ऊपर हेवन है, और हम बीच में, राइट, दैट इज हाउ वी एड्रेस। लेकिन एक्चुअली इन शामनिज्म देयर इज नथिंग लाइक कि नीचे हेल है, ऑल दीज थ्री वर्ल्ड्स आर सेम, दे हैव सेम इम्पोर्टेंस, भले ही एज पर रिलीजन वी कंसिडर अपर वर्ल्ड एज अ हायर वर्ल्ड और स्पिरिचुअली मोर हायर इन टर्म्स ऑफ वी गिव इट मोर इम्पोर्टेंस, राइट? तो हम अगर देखें तो हमारी सोसाइटी का जो या हमें, हमारी सोसाइटी नहीं, वर्ल्ड ओवर हम एक पेट्रियार्की सिस्टम में बिलीव करते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स फादर का इम्पोर्टेंस मदर से ज्यादा होता है, भले हमका हमारा कनेक्शन मदर से ज्यादा हो या मदर से हमको प्यार ज्यादा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फादर को सुपीरियर मानते हैं, इसीलिए ही फादर स्काई को भी हम सुपीरियर मानते हैं। लेकिन हम रहते तो धरती के ऊपर हैं, और हमारा कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इस धरती से कनेक्ट होना सबसे पहले, राइट? सो जो लोअर वर्ल्ड है वो एक्चुअली डीप डाउन द मदर अर्थ, जहां से कि हम एनर्जी लेते हैं, और ऊपर है जहां पे हम एक तरह से कनेक्शन अपने फादर सन से करते, और बीच में हम। सो दीज आर द थ्री वर्ल्ड्स जो शमानिज्म में बात होती है। तो शमानिज्म बेसिकली मतलब आप ऐसा समझिए कि ये एक ऐसी चीज है
जो कि हमारा तरीका, तौर तरीका रहने का, जिंदगी का, बसर करने का, जो पहले जमाने में, पहले मतलब अभी मैं आपके एंसेस्टर्स, इतने क्लोज एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से एग्रीकल्चर आया या जब से खेती बाड़ी हुई या ये सब शुरू हुआ, तो तब से तो बहुत कुछ बदल गया और शमानिज्म कहीं ना कहीं कम हो गया या एक तरह से डिसअपीयर हो गया। लेकिन उससे पहले, बहुत पहले, तब जो है, जो लोग होते थे वो एक नेचर से पूरी तरह से कनेक्टेड होते थे। वो पूरी तरह से नेचर की जो साइकिल्स हैं, उनकी रिदम है, एनिमल्स, भले ही वो हंटर ट्राइब में थे, एनिमल्स को हंट करते थे, लेकिन उनको एनिमल्स से कनेक्शन था, वो उसकी स्पिरिट से कनेक्ट होते थे। तो उस टाइम शमानिज्म एक ऐसी पद्धति है जो इस बात में विश्वास रखती है कि हम सबके अंदर स्पिरिट है, कॉन्शियसनेस है, चाहे हम जीवित हो या हम जीवित भी ना हो। मतलब इन द सेंस के, जैसे कि पत्थर है, वो जीवित, उसमें अगर बोला जाए तो वो जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है, राइट, हमारी टर्मिनोलॉजी में, एज पर द मॉडर्न मैन। लेकिन उसके अंदर भी एनर्जी है, राइट। हम घर है, घर ईंट पत्थरों का बनता है, फिर भी हम बोलते हैं उसके अंदर एक एनर्जी है, उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, उसके अंदर एक पावर। तो शामंस बिलीव्ड दैट देयर इज कॉन्शियसनेस, देयर इज एनर्जी, देयर इज स्पिरिट, एंड दे कुड कनेक्ट टू दैट स्पिरिट वर्ल्ड एंड गेट द आंसर्स फ्रॉम देयर। तो दे न्यू हाउ टू ट्रेवल टू दिस स्पिरिट वर्ल्ड, दे न्यू हाउ टू ट्रेवल इन टाइम एंड स्पेस, फॉर देम इट डिड नॉट मैटर। और उसके लिए वो डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करते थे। सो मे बी जो हम ड्रमिंग देखते हैं, या हम देखते हैं एनिमल गाइड की बात करते हैं, पावर एनिमल्स की बात करते हैं, हम प्लांट स्पिरिट्स की बात करते हैं। सो दे न्यू हाउ टू कनेक्ट टू ऑल दीज स्पिरिट्स एंड दे कुड गेट द आंसर। So they, for going into that trance state, the altered state, जब जहां पे है, क्योंकि अभी हम बैठे हैं, राइट, अब हम कौन सी स्टेट में, हम पूरी तरह से फिजिकली अवेयर हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट। बट वी, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, जब हम शांति पूर्वक बैठते हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी को सेंटर करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम फोकस कर पा रहे हैं, हम वो दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं जो दुनिया अभी हमको नहीं दिखाई दे। सो दे कुड सी बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी विद आवर आईज, जो हम आज अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, फिजिकल आई, हमारी जो आईज हैं उससे जो देख सकते हैं, उसके बाहर भी बहुत कुछ है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, राइट। सो दे हैड दैट एबिलिटी टू स्पीक टू द स्पिरिट वर्ल्ड, दे कुड ट्रेवल टू दैट स्पिरिट वर्ल्ड एंड दे कुड गेट द आंसर्स एंड दे कुड गेट द सॉल्यूशंस। सो दे वर्क फॉर द कम्युनिटी। ओके, तो ये शामन वर्ड जो है, ऑफ कोर्स साइबेरियन वर्ड है, साइबेरियन डुंगस इससे है, इसका मतलब ये नहीं कि इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर रीजन और दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली, बिकॉज शामनिज्म एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड, इट हैज नो नथिंग के एक पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पर्टिकुलर जगह को ही बिलोंग करती है। देयर मे हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है आपस में एक दूसरे के उसमें, लेकिन दे आर फाइनली वन एंड द सेम। सो दे वर देयर इवन इन ऑस्ट्रेलिया, वेदर यू हैव नेपाल, वेदर यू हैव इट इन एनी साउथ एशियन कंट्रीज, यू हैव इट इन अफ्रीका, यू हैव इन साइबेरिया, मंगोलिया, एनी वेयर, राइट। तो